दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम भारत के एक ऐसे खूबसूरत राज्य के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको देखने के बाद आप इस राज्य में जाने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा राज्य जहां के 43% लड़के लड़कियां शादी से पहले अपने प्रेमी के साथ सेक्स कर चुके होते हैं, और एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वनस्पतियों का झुरमुट और कलकल करते झरने, खास तरीके से की गई धान की खेती इस जगह को प्राकृत प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग का एहसास दिलाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्वोत्तर में स्थित सेवन सिस्टर राज्यों में से एक राज्य मिजोरम की। मिजोरम की सीमा भारत के 3 राज्यों और 2 देशों से मिलती है। मिजोरम राज्य दक्षिण और पूर्वी सीमा में म्यांमार और पश्चिमी सीमा में बांग्लादेश से अपना बॉर्डर साझा करता है। वहीं पश्चिमोत्तर सीमा में भारत के त्रिपुरा राज्य, उत्तर में असम राज्य और पूर्वोत्तर में मणिपुर अपना बॉर्डर साझा करता है। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है, जो कि यह शहर इस राज्य का सबसे घनी आबादी वाला शहर भी माना जाता है। मिजोरम राज्य की कुल पॉपुलेशन 10,91,000 के आसपास है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि मिजोरम राज्य आबादी के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। और वहीं साक्षरता की बात की जाए तो इस राज्य की साक्षरता दर 92% के आसपास है, जो कि हमारे देश के केरल के बाद भारत का दूसरा सबसे साक्षर राज्य माना जाता है। क्या आपको पता है कि मिजोरम राज्य की मुख्य भाषा मिजो है, और यहाँ की बहुतायत आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा इंग्लिश है। यहाँ के लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अपनी बोलचाल में खूब इस्तेमाल करते हैं। मिजोरम राज्य की आर्थिक स्थिति भारत में बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर बहुतायत आबादी खेतीबाड़ी करती है, और यहाँ के निवासी मुख्य तौर पर संतरा, चावल, मक्का, दालें, गन्ना, अदरक और टमाटर आदि की फसलें किया करते हैं। और यहाँ के मुख्य उद्योग हैंडलूम, चावल और आटे के कारखाने एवं ईंट निर्माण बहुत ज्यादा किया जाता है। और यही वजह है कि मिजोरम राज्य अपने सुंदर सड़क मार्ग के लिए जाना जाता है। मिजोरम राज्य बहुत ही ज्यादा सुंदर माना जाता है। यहाँ पहाड़ी इलाके, हरी भरी घाटियाँ, घुमावदार नदियाँ मिजोरम की जान है। नीले पहाड़ों और खिलखिलाते हिल स्टेशन में बसा यह छोटा सा राज्य अपने आप में प्राकृतिक खूबसूरती बटोरे हुए है। क्या आप जानते हैं कि किसी जमाने में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाने वाला मिजोरम राज्य सन 1886 में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में शामिल हो गया। अगर आपको प्राकृत से भरपूर मजे लेने हैं, या आप एक प्राकृत प्रेमी हैं, तो मिजोरम की यात्रा आपके लिए एक बार जरूर बनती है। मिजोरम राज्य मुख्य तौर पर एक खास तौर की खेती के लिए जाना जाता है, जिसे झूम खेती कहते हैं। यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी खेती के आसपास ही घूमती है। मिजोरम का प्रमुख त्योहार है चाप चार कूट, जिसे वसंत महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इसे झूम खेती के मेहनत भरे कठिन कार्य खत्म होने के बाद मनाया जाता है। इसे हर साल मार्च के महीने से धूमधाम से मनाया जाता है। मिजोरम का लगभग 34% हिस्सा घनेदार जंगलों से भरा पड़ा है, और इसी वजह से वर्षा ऋतु में बारिश यहाँ पर जमकर होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिजोरम में मार्च से लेकर सितंबर के महीने में यहाँ लगातार बारिश होती रहती है, इसलिए आप इन महीने में यहाँ की यात्रा न ही करें तो बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको बरसात से बहुत ज्यादा प्रेम है, तो फिर आप यहाँ पर आराम से पधार सकते हैं। मिजोरम की जलवायु हमेशा से आरामदायक और सुखद होती है। गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान लगभग 21 से 30 डिग्री के आसपास ही रहता है, और ठंड के मौसम में 7 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ का तापमान गिर जाता है। दोस्तों, मिजोरम की लड़कियाँ काफी फ्रेंडली और सुंदर होती हैं। यहाँ की लड़कियाँ अतिथियों का स्वागत दिल खोल कर करती हैं। लेकिन दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक मिजोरम की 53% लड़के लड़कियाँ शादी से पहले सेक्स कर चुके होते हैं। क्योंकि इस राज्य की बहुतायत जनसंख्या ईसाई धर्म का पालन करती है, तो यहाँ के लोग काफी खुले दिल के होते हैं, है ना गजब। यह राज्य लड़कियों के लिहाज से काफी सुरक्षित राज्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों के प्रति
छेड़खानी के केसेस ना के बराबर आते हैं। इस राज्य को सुंदर लड़कियों का घर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी अपने ही देश के एक खूबसूरत राज्य मिजोरम के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में अगला वीडियो आप किस देश पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय हिंद, वंदे मातरम।